सो हेलो एवरीवन, दिस इज विश्व एंड यू आर वाचिंग द गेम ऑफ वर्ल्ड। तो आज हम खेलने वाले हैं एजेंट 47। तो आज का हमारा मिशन है कि हमें एक जेस्पर नाइट करके एक बंदा है जिसको हमें मारना है, जो कि बहुत ही बड़ा चेस का प्लेयर भी है और एक एक्स जेट पायलट भी है। तो हमें उसे इस तरह से मारना पड़ेगा कि लोगों को शक ना हो। अगर मैं चाहूँ तो उसे गन से भी मार सकता हूँ, लेकिन उसे लोगों को पता भी चल सकता है। और मैं चाहूँ तो उसके ड्रिंक में जय भी मिला सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कि वो ड्रिंक पिएगा भी या नहीं पिएगा। या फिर मैं उसे इस तरह से मार सकता हूँ कि लोगों को लगे कि एक सिर्फ एक्सीडेंट ही है। तो चलो आज का मिशन ही उस पर ट्राई करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अंदर जाना पड़ेगा कहीं से, और मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा कि कोई मुझे देख ना ले। ओके, तो मुझे इन दोनों की बातें पहले सुननी पड़ेगी कि ये लोग है कौन। पहले तो देखने से तो लग रहा है कि ये कहीं काम वाले ही लग रहे हैं। ओके, तो इनकी बातों से लग रहा है कि ये जेट पर ही काम कर रहे हैं। तो मुझे इन लोगों के कपड़े शायद आगे काम आ सकते हैं, वो तो आगे ही आपको पता चलेगा। तो मुझे सबसे पहले अंदर जाने का रास्ता कैसे ढूंढना पड़ेगा। मैं ये खुद के भी जा सकता हूँ शायद। और ये क्या है? ओके, हैमर की शायद मुझे जरूरत पड़ सकती है आगे। ऑलराइट, मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा कि कोई मुझ पे शक ना करे, आई मीन कोई देख ना ले। पहले तो इसका ध्यान तो अभी फोन पे है, तो मैं अभी जा सकता हूँ। और यहाँ व्हाइट व्हाइट डॉट देख सकते हो ना, इसका मतलब कि वो हम पे शक कर सकता है। रुको, मैं इसे पहले मार देता हूँ, जल्दी से इसे खींच लेता हूँ ताकि कोई देख ना ले। नो 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 नो, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। अब सबसे पहले मैं इसके कपड़े चुरा लेता हूँ। ओके, तो अब इसकी लाश भी इसके अंदर ही रख देता हूँ, ताकि अगर कोई भी यहाँ पे आए तो उसे लाश नहीं मिले। अगर लाश मिल गई तो उसे शक हो सकता है। तो राइट, तो वो आगे जा रहे हैं, तो अभी मेरा मौका है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब मुझे जाना पड़ेगा उस रास्ते के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ये इधर ही खड़ा है, मुझे इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ छिक्के हैं, रुको, ये रहा कॉइन, तो मैं इसका यूज करता हूँ, कहीं फेंकता हूँ। ऑलराइट, शायद उसने आवाज सुनी। भाई जा जल्दी। ओके ओके, वो जा रहा है, मैंने उसका ध्यान भटका दिया। अब मुझे जाना पड़ेगा, इसके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर भी खड़ा है बंदा। इसका ध्यान मैं कैसे भटकाऊँ ये मुझे पता नहीं। तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और राइट, तो वो पीछे ही जा रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जाता हूँ आगे, शायद मैं अब जा सकता हूँ। भाई देखना मत यार। ओके ओके, चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझे नहीं देखा। एक बंदा यहाँ पर भी खड़ा है, लेकिन यहाँ मैं आराम से जा सकता हूँ क्योंकि मैंने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने, तो ये मुझ पर शक नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे और राइट, ये पॉइजन है, इसका काम शायद मुझे आगे पढ़ सकता है, लेकिन पता नहीं। और ये रहा जेट, और ये कुछ। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइंस है। अब मुझे काम ये करना है कि अगर मुझे जेट पर काम करना है तो मुझे उन लोगों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ये गार्ड के कपड़े तो पहन के मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मैं कुछ और हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले वो गार्ड के कपड़े चाहिए जो लोग काम करते हो। इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे। पहले मैं इसी अंदर चेक करता हूँ कहीं नहीं, ये मुझ पर शक कर सकता है। ये तो आई विश कि मुझे यहाँ से कहीं मिल जाए। ओके, तो ये इसके कपड़े में चुरा सकता हूँ। रुको रुको, और राइट, तो मैंने इसे मार दिया। चलो अब इसके जल्दी से कपड़े में पहन लेता हूँ, और इसकी लाश मुझे ठिकाने लगानी पड़ेगी, तो मैं इसके इसके अंदर ही रख देता हूँ। अब मैं इस कपड़े में जेट पर काम कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चल सकता है कि ये जेट के कपड़े हैं, तो इसका ही मतलब यही हुआ ना कि वो जेट पर ही काम करता है बंदा।
मतलब मुझ पर कोई शायद शक नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा है मुझे। वो तो देखना ही पड़ेगा कि कोई मुझ पर शक करता है या नहीं करता। ओके, इस पे सर पे व्हाइट डॉट है, इसका मतलब ये मुझ पर शक कर सकता है। तो मैं इसका काम थोड़ा बिगाड़ता हूँ, चैट का काम। और राइट, तो मैंने इसका काम तो कर दिया, अब मुझे मिलना पड़ेगा जेस्पर नाइट से, और मैं उसे बोलता हूँ कि ये इसकी टेस्ट राइड करे। तो Hey, good to see you, जेस्पर man. नाइट शायद कहाँ है? ओके, वो रहा सामने ही खड़ा है। सबसे पहले वहां पे जाना पड़ेगा। आई विश कि कोई मुझ पे शक ना करे। Mr. Mechanic, what's up? ओ हेलो भाई, मुझे लगा कि इसने मुझ पे शक कर दिया। अब मैं चाहूँ तो जेस्पर नाइट को सीधा गोली से मार सकता हूँ। यहाँ पे एक ही गार्ड है। रुको रुको, ये अंदर ही है शायद। मैं मार सकता हूँ क्या? नहीं, वो पीछे ही गार्ड खड़ा है। रुको रुको, इससे बात करनी Jesper पड़ेगी Knight, कि वो we टेस्ट कर gotta go सके। over the safety protocol. Follow me, please. Ugh, must we really? ऑलराइट, तो मैंने जेस्पर नाइट को बोल दिया है कि वो एक बार जेट प्लेन को ट्राई करे कि वो इसे अच्छा है या नहीं है। मतलब मैंने ठीक किया कि नहीं किया, और मैंने जो किया वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। पीछे आ ही रहा है ना, चलो तो अच्छी बातें आ रहा है। हेलो Hey, nice threads, buddy. सर, अच्छा हुआ कि इसमें से किसी ने मुझ पे शक नहीं किया। वो मुझ पे शक कर सकता है, लेकिन अच्छा है कि वो मुझे देख नहीं रहा अभी। ओके भाई, जल्दी से आया। अब मुझे इसको गाइड करना पड़ेगा कि ये किस किस Okay, तरह से Mr. काम Knight, करना है। climb in the cockpit, please. जल्दी से ऊपर चढ़ जा भाई। All right. Easy. One step at a time. ओके, तो अब मुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी इसे कि आगे आगे क्या करना है, कि वो सब ठीक है या नहीं है। Step one, strap yourself in. ओके, ऑल क्लियर। Step two, स्टेप टू, locate the ejector seat handle. सीट हैंडल चेक करना है शायद। चलो वो भी Step ठीक three, है। pull the ejector स्टेप seat थ्री, handle. ओके, राइट। किसी को पता भी नहीं चला कि ये क्या हुआ। सबको यही लग रहा है कि एक एक्सीडेंट से हुआ है। अच्छा, हेलो सर, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर शक किया तो ही प्रॉब्लम होगी, देख लिया तो कोई बात नहीं। मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाना पड़ेगा। वो मुझे अभी लगता कि ये मुझे पकड़ लेंगे। मेरी गाड़ी वो रही सामने। अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। आई विश कि ये मुझे रुके नहीं। ओके ओके, नहीं रुका, चलो अच्छी बात है। और आज का मेरा मिशन बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। और भाई, जगह कितनी बड़ी लग रही है यार। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।